सो गुड मॉर्निंग एवरी वन आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यू पी एस सी सी एस सी सो आज के जो टॉपिक्स लाइक वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट इज अबाउट द इंसुलिन कूल ये जो टॉपिक है ये साइंस से रिलेटेड टॉपिक है इस पर जो प्रश्न है आपका फ्रेम हो सकता है नेक्स्ट इज अबाउट जेम्स वेब टेलीस्कोप दिस इज रिलेटेड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक जेम्स वेब टेलीस्कोप देन यू है लाइन कैपिटल ये जो टॉपिक है ये हिस्ट्री न्यूज का टॉपिक है हिस्ट्री न्यूज सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन देंस वी वि डिस्कस इस साल भी अगर आप देखोगे तो आपके लिए जो प्रश्न है फ्रेम हुआ था देन यू हैव अ मीडिएशन बिल मीडिएशन बिल के ऊपर लाइक वी आर गोइंग टू डिस्कस मीडिएशन बिल के ऊपर लाइक वी आर गोइंग टू डिस्कस फिर अर्बन लोकल बॉडीज फाइनेंशियल एम्पावरमेंट दीज आर द टॉपिक्स प्रेजेंटली आई एम ट्रैवलिंग हम लोग इस फॉर्मेट में कर रहे हैं आ, जो सेशन है और ये सारे टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सो so, ये साइंस का है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है ये हिस्ट्री न्यूज़ है बाकी दोनों जो टॉपिक हैं ये पॉलिटी के टॉपिक्स आपके बन जाते हैं पॉलिटी के टॉपिक्स जो है ये आपका बन जाता है सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी माय नेम इज सौरभ पांडे अगर आप आई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अन एकेडमी पर हम जुड़ सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं यूज द कोड एस पी ए वी ई तो अभी ग्रेट ऑफर भी चल रहे हैं उसका बेनिफिट भी उठा सकते हैं तो जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर हर महीने का कोर्स करंट अफेयर्स का आपका आएगा अगर तेईस चौबीस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर से जुड़ें अभी ये ग्रेट ऑफर भी है जुलाई फिफ्टीनथ इसका लास्ट डेट है तो ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन एग्रीकल्चर जो ऑप्शनल जैसा मैंने आपको बताया एटीनथ से स्टार्ट हो रहा है सो so, एटीनथ से आ, आ, जो एटीनथ जुलाई है फोर पी को आपकी क्लास होगी तो आप ऑप्शनल और जी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसको कॉम्बो कहते हैं तो आप जब ज्वाइन करते हैं तो सारे ऑप्शनल सारे जीएस के सब्जेक्ट आप देख सकते हैं तो इसमें अगर आप जितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने उससे आप डिवाइड करेंगे तो अमाउंट बहुत कम हो जाता है जो कोड यूज़ करना है दैट इज़ एस पी एल आई वी ई इस कोड का इस्तेमाल करके आपको ज्वाइन करना है अभी आप टू ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते तो वन ईयर आपको एक्स्ट्रा है हिंदू हिट सीरीज़ आपको जरूर से अटैम्प्ट करनी है और जो हिंदू हिट सीरीज़ है हाई इंटेंसिटी टेस्ट इसको भी आपको जरूर से अटैम्प्ट करना 15th 30 है फिफ्टीन क्वेश्चन थर्टी मार्क्स है ट्वेंटी मिनट्स हैं साढ़े आठ बजे से होती है तो इसको आपको अटैम्प्ट करना है डेली बेसिस पे आप जो भी टॉपिक्स हैं उसी पर बेस्ड प्रश्न आपको रहेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सो so, आज के लिए इतना ही देखते हैं पहले जो टॉपिक्स हैं गोदरेज अनवील स्कूलिंग सोल्यूशंस टू स्टोर इंसुलिन ये टॉपिक अगर आप देखोगे दिस टॉपिक इज़ बेसिकली दिस टॉपिक इज रिलेटेड ये टॉपिक आपका रिलेटेड है साइंस से हम इंक्लूड कर सकते हैं इसमें और इसमें कुछ एस्पेक्ट जो चर्चा की गई है वो लाइक वी आर गोइंग टू डिस्कस ये जो न्यूज़ uh, पब्लिश हुई है वो इकोनॉमी का जो पेज है द हिंदू का उसके अंदर आपकी पब्लिश हुई है सो गोदरेज अप्लाइंसिस ने इंट्रोड्यूस किया है दैट इज गेज इंसुलिन कुल इंसुली uh, कूल insu, uh, cool नाम से यह आपका इंट्रोड्यूस किया है इस प्रोडक्ट का नाम है दैट इज़ इंसुली कूल इस प्रोडक्ट को किया गया तो ये जो प्रोडक्ट है इसका एम क्या है व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस प्रोडक्ट बेसिकली द एम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ टू स्टोर इंसुलिन जैसे अगर कई प्रकार की डायबिटीज़ होती है आगे डिस्कस करेंगे टाइप वन डायबिटीज़ टाइप टू डायबिटीज़ दो तरीके की डायबिटीज़ uh, आपकी हैं तो ये जो डायबिटीज़ uh, हैं uh, कई डायबिटीज़ के जब कंटेक्सट में हम देखते हैं जैसे टाइप टू डायबिटीज़ है तो इंसुलिन को हमें बाहर से आ, लगाना पड़ता है सो so, ये जरूरी है कि दिस इंसुलिन इज़ स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर या रिकमेंडेड टेम्परेचर में यह आपका स्टोर्ड हो अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी की जो अफेक्टिवनेस है इंसुलिन की जो अफेक्टिवनेस है दैट विल रिड्यूस सो इस चीज़ को देखने के लिए आ, ये प्रोडक्ट आपका लॉन्च किया गया है जिसका नाम है दैट इज़ इंसुली कूल ये और भी कई पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे जो मेडिसिन है या जिस भी मेडिकल प्रोडक्ट को स्टोर करने की ज़रूरत है लोअर टेम्परेचर के अंदर उस उसमें इस जो गोदरेज इंसुली इन्सु, कूल है इसका इस्तेमाल आपका किया जाता है अब अगर इंसुलिन की बात करें और डायबिटीज़ की बात करें दो चीज़ें बन जाती हैं सो व्हाट बेसिकली इज इंसुलिन दैट वी शुड नो तो इंसुलिन बेसिकली हारमोन है इट्स अ हारमोन इट्स अ हारमोन जो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है पेनक्रियास के अंदर प्रोड्यूस होता है जो हमारा स्टमक है उसके पीछे एक आपका ग्लैंड हम कह सकते हैं वी कॉल इट एज एन ऑर्गन कॉल्ड एज पैनक्रियास और ये पैनक्रियास से ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है वी कॉल इट एज इंसुलिन ये हमारे बॉडी को कैसे हेल्प करता है इट यूज़ लाइक टू यूज़ ग्लूकोज फॉर एनर्जी अगर ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उसका हम इस्तेमाल कर सकें एनर्जी uh, के फॉर्म में ये एक वी कैन से एक रोल है इंसुलिन का ग्लूकोज uh, क्या है इट्स अ टाइप ऑफ अ शुगर ये क्या है एक प्रकार का शुगर है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है अगर सपोज इंसुलिन क्या है इट हेल्प्स टू तो ब्रेक डाउन अगर इंसुलिन नहीं होगी तो ब्लड के अंदर जो ब्लड है ब्लड के अंदर जो शुगर कंटेंट है शुगर के फॉर्म मतलब जो ग्लूको ग्लूकोज कंटेंट है दैट ग्लूकोज कंटेंट विल इंक्रीज़ और अगर एक बार ग्लूकोज कंटेंट आपका इंक्रीज़ होगा इफ़ देर इज़ अ इंक्रीज इन ग्लूकोज कंटेंट तो फिर बहुत सारे लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी इंक्रीज़ हो सकती है जो ब्लड की थिकनेस है डेंसिटी है दैट विल इंक्रीज़ और जो ब्लड की पम्पिंग है हार्ट से तो वो आपका अफेक्ट होगा जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं दैट मे ऑल्सो बी इम्पैक्टेड सो अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है हमारे ब्लड uh, ब्लड स्ट्रीम के अंदर सो दैट मे ऑल्सो इम्पैक्ट अदर ऑर्गन्स ऑल्सो लाइक इन लीवर में ऑल्सो बी इम्पेक्टेड सो इट इज़ अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो ग्लूकोज का लेवल है उसको uh, उसको रिड्यूस किया जाए या एक लेवल जो है वो मैंटेन करके रखा जाए सो वी नीड टू वी नीड टू टेक इंसुलिन अगर इंसुलिन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस आपकी नहीं होती है डायबिटीज़ की बात करें तो so, सो वेन यू टॉक अबाउट द डायबिटीज जब डायबिटीज़ की हम बात करते हैं सो so, डायबिटीज़ दो टाइप की हैं टाइप वन है और टाइप टू है टाइप वन जो डायबिटीज़ है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है वाट इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़ इट मीन्स वेन यू टॉक अबाउट ऑटो इम्यून डिजीज़ ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि जब आपका जो शरीर है उसकी जो इम्यूनिटी है वो आपके ही शरीर को नुकसान करते लाइक like, अगर कोई डिजी कोई भी बैक्टीरिया है कोई भी वायरस है अगर वो हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है अगर वो हमारे शरीर के अंदर एंटर करेगा सो वॉट हैपन्स कि हमारा जो बॉडी है वो बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो हमें प्रोटेक्ट करती है लेकिन सर्टेन लेवल पे देर इज़ अ पॉसिबिलिटी और वी कॉल इट दिस कंडीशन एज अ ऑटो इम्यूनिटी इस ऑटो इम्यूनिटी के कंटेक्सट में हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ही हमारे खिलाफ आपका हो जाता है सो टाइप वन डायबिटीज़ इज़ अ ऑटो इम्यून डिजीज़ ये आपको ये लाइन याद रखनी है इट्स अ ऑटो इम्यून डिजीज़ बिकॉज यहाँ पे जो फैक्टर है दैट लाइक अ टाइप ऑफ डिजीज दैट काजेज द बॉडी टू अटैक इट्सल्फ जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इस डिजीज़ के अंदर हमारे Uh, शरीर का जो या बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे ही बॉडी को वी कैन से अटैक करता है सो इफ लिविंग विथ टाइप वन डायबिटीज आवर बॉडी कैन नॉट मेक इंसुलिन प्रॉपरली इंसुलिन जो है वो इंसुलिन आपका बॉडी के अंदर प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होगा एंड आवर इम्यून सिस्टम आवर इम्यून सिस्टम हैज़ हार्म द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन आर पैनक्रियास तो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो इंसुलिन है ये जिस ऑर्गन uh, में प्रोड्यूस होता है वी कॉल इट एज अ पेनक्रियाज पेनक्रियाज में सर्टेन सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये जो सेल्स हैं uh, ये जो सेल्स हैं जिन सेल्स के माध्यम से इंसुलिन का प्रोडक्शन आपका होता है ये सेल्स बेसिकली बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं वाई देर इज अ डैमेज बिकॉज इट्स अ ऑटो इम्यून डिजीज सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी अगर जब भी टाइप वन टाइप वन डायबिटीज़ अगर डिटेक्ट होती है सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी अगर अगर टाइप वन जो डायबिटीज अगर वो डिटेक्ट होती है प्रोडक्शन इंसुलिन का बॉडी के अंदर वो कम होगा और ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा टाइप टू डायबिटीज टाइप वेन यू टॉक अबाउट टाइप टू डायबिटीज सो सो वेन यू टॉक अबाउट टाइप टू डायबिटीज सो दिस टाइप टू डायबिटीज यर आवर बॉडी हैज बिकम रेजिस्टेंट टू द अफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन एम आई ऑर्डेबल आवाज आ रही है आप लोगों को सभी को आई होप इट्स ओके सो टाइप टू डायबिटीज वेन यू टॉक अबाउट द टाइप टू डायबिटीज सो अंडर टाइप टू डायबिटीज वी नू टॉक अबाउट द टाइप टू डायबिटीज यहाँ पे हमारी जो बॉडी है इट बिकम्स रेजिस्टेंट बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है टू द इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन दिस मीन्स अवर बॉडी नीड मोर इंसुलिन टू गेट द सेम अफेक्ट अगर हमारी जो बॉडी बॉडी है बॉडी के अंदर जितनी भी इंसुलिन प्रोड्यूस होती है उसके खिलाफ़ हमारी बॉडी पूरे तरीके से इट डेवलप रेजिस्टेंट इट डेवलप्स रेजिस्टेंट सो ऐसे कंटेक्स में अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन uh, के प्रति रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है सो वी नीड मोर इंसुलिन तो जनरली uh, फिर हमें ज़्यादा इंसुलिन की जरूरत है फिर वहाँ पे दवा भी खानी uh, पड़ सकती है देर इज़ अ पॉसिबिलिटी देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि

इंसुलिन का ओवर प्रोडक्शन हो सकता है और जब ओवर प्रोडक्शन होगा तो फ्यूचर के अंदर पैंक्रियास के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है जो सेल्स आपके प्रेजेंट है दीज सेल्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन सो दीज सेल्स में बी बर्न आउट ये भी कभी भी हो सकती है इट मे ऑल्सो भी रिलेटेड विथ सर्टन लाइफ स्टाइल आस्पेक्ट एज वेल नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं नासा टेलीस्कोप डाइव्स डीप इन टू द यूनिवर्स उट दिस इज रिलेटेड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो यहां पर जो टॉपिक आपका निकल कर आता है एक इमेज आपकी जारी की है फ्रॉम जेम्स वेब टेलीस्कोप और ये जो इमेज आपकी जारी की गई है जैसे अगर आप देखोगे पेपर में पब्लिश हुई है यह रिलेटेड किससे एक गैलेक्सी से गैलेक्सी क्लस्टर से दैट इज एस एम ए सी एस जीरो सेवन टू थ्री अगर आपसे पूछे कि रिसेंटली दिस वॉज इन न्यूड स्मैक्स जीरो सेवन टू थ्री ये आपका न्यूज में था ये क्या है सो तो ये एक क्लस्टर गैलेक्सी है अगर ये पूछा जाए कि क्लस्टर शब्द का मतलब होता है मतलब काफी सारी गैलेक्सी एक साथ सो इट्स अ क्लस्टर गैलेक्सी हमने एक और भी टर्म कुछ दिन पहले क्लस्टर गैलेक्सी के बारे में डिस्कस किया था दूसरा जो एक प्रश्न इसके अंदर बन सकता है दिस इज रिलेटेड विद द जेम्स वेब टेलीस्कोप या शॉर्ट में इसको जे डब्ल्यू एस टी भी वी क्वालिटाइज अब इसमें एक टर्म और आता है दैट वी क्वालिटाइज इंफ्रा रेड एस्ट्रोनॉमी आगे डिस्कस करेंगे कि इंफ्रा रेड एस्ट्रोनॉमी क्या है सो so, पहले एक हमने स्पेस के अंदर एक टेलीस्कोप लॉन्च किया था द नेम ऑफ टेलीस्कोप इज हबल स्पेस टेलीस्कोप अब ये जो हबल स्पेस टेली टेलीस्कोप है इससे भी ज्यादा एफिशिएंट एक टेलीस्कोप हमने जो लॉन्च किया है नासा के द्वारा Uh, साथ में यूरोपियन स्पेस एजेंसी कैनेडियन स्पेस एजेंसी भी इसमें पर इन्वॉल्व है द नेम ऑफ दिस स्पेस टेलीस्कोप इज़ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये जो जेम्स वेब है इन्होंने नासा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था नाइन्टीन के अंदर जैसे अपोलो जैसे प्रोग्राम में इन्होंने एक रोल प्ले किया था रोल प्ले किया था तो उनके सम्मान के अंदर उनके रेस्पेक्ट के अंदर ये टेलीस्कोप आपका लॉन्च किया है अब ये जो टेलीस्कोप है ये वर्क किस पर करती है या जो लॉन्गर वेवलेंथ है जैसे इन्फ्रा है स्पेक्ट्रम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसकी लॉन्गर वेवलेंथ लेंथ लॉन्गर वेव लेंथ पर यह काम करता है तो इससे क्या है कि ये ज़्यादा क्लियर पिक्चर भी दे पाता है जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्रारेड इन्फ्रा रेड पर बेस्ड जो ये टेलीस्कोप है ये आपका वर्क करता है ये जो लॉन्गर वेव लेंथ है स्पेक्ट्रम का उसमें ये कार्य करता है जिससे कि ये बेटर इमेज दे सकता है और ऐसी चीज़ों को भी ये देख सकता है जो कि जेम जो कि आपका हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा नहीं दे, देखा जा सकता सो so, लॉन्गर wavelength लेंथ इट इनेबल्स वेब टू लुक मच क्लोज़र मच क्लोज़र इट मीन्स जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है रिलेटेड विथ स्टार्स रिलेटेड विथ गैलेक्सी या हमारा सोलर सिस्टम है या जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है उसको और क्लोज़र और क्लियर वे में ये जो टेलीस्कोप है बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन लॉन्गर वेव लेंथ ये ऑब्जर्व आपका कर सकता uh, है इवन इट कैन लुक इन टू डस्ट क्लाउड्स जो क्लाउड्स हैं उसको भी जो डस्ट क्लाउड्स हैं उसको भी ये ऑब्जर्व uh, कर सकता है जैसे जब भी स्टार का फॉर्मेशन होता है स्टार के फॉर्मेशन में एक टर्म यूज़ होता है दैट वी कॉल इट एज़ नेबुला नेबुला में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं इस तरीके से जो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं फिर यही डस्ट पार्टिकल फर्दर स्टार के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं या जब बहुत बड़ा एक्सप्लोशन होता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल रिलीज़ होता है आसपास पास की जो भी सोलर सिस्टम्स होंगे गैलेक्सी होंगी जब भी ऐसा सुपरनोवा होगा तो बहुत ज़्यादा धुंधला सा हो जाएगा उन चीज़ों को भी ये ऑब्जर्व कर सकता है जेम्स वेब टेलीस्कोप और ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ये सब क्यों कर सकता है अगर आपसे पूछे कि ऐसा क्यों कर सकता है इट कैन डू दिस इसके पीछे जो रीजन रिस्पॉन्सिबल है दैट इट इज बेस्ड ऑन लॉन्गर वेव लेंथ या लॉन्गर वेवलेंथ आप कह सकते हैं लॉन्गर वेवलेंथ पर आपका बेस्ड है जेम्स वेब टेलीस्कोप स्पेस टेलीस्कोप है या इंफ्रा रेड एस्ट्रोनॉमी पर बेस्ड है अच्छा इंफ्रा रेड एस्ट्रोनॉमी का मतलब भी आपको समझना है इंफ्रा रेड एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी जब आप शब्द यूज करते हो इट सिंपली मीन्स जो आपका यूनिवर्स और सबको जो ऑब्जर्व किया जाता है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन इन्फ्रा रेडिएशन जिसका जो वेवलेंथ uh, है वो लगभग 0.75 से लेके 300 माइक्रोमीटर तक आपका होता है ये आपका विजिबल रेडिएशन तक के विद इन फॉल करता है विच रेंजेस फ्रॉम 380 एट्टी टू सेवेंटी सेवन फिफ्टी नाइनोमीटर्स अब देखो ये जो इन्फ्रा रेड एस्ट्रोनॉमी है ये पार्ट किसका है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लॉन्गर वेवलेंथ ये लॉन्गर वेवलेंथ का हिस्सा है सिंपल सी बात है और ये जो लॉन्गर वेव है इस लॉन्गर वेव में एग्जाम्पल आपका इन्फ्रारेड हो गया इसका रेंज कितना है दैट इज अराउंड जीरो टू थ्री माइक्रोमीटर्स इसका रेंज है और ये आपका विजिबल रेडिएशन के अंदर फॉर्म आपका होता है और एक ये पर्सन है दैट इज विलियम हर्शेल इन्होंने इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी का कंसेप्ट आपका दिया था अब क्यों हमें ये इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी को जानना जरूरी है बिकॉज जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है दिस जेम्स वेब टेलीस्कोप बेसिकली बेस्ड ऑन इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी ये इंफ्रारेड रेडिएशन या लॉन्गर वेवलेंथ का इस्तेमाल आपका करता है अब इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी या इंफ्रारेड का इस्तेमाल करता है तो ये बहुत दूर की चीजें और भी कई चीजें ईजिली ऑब्जर्व कर सकता है जो कि हबल स्पेस टेलीस्कोप आपका नहीं कर सकता है यूएन का या यूएस का वीकेंस है जो नासा उसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी उसके बाद आपका जो कैनेडियन स्पेस एजेंसी है ये डिफरेंट एजेंसीज uh, इन्होंने मिलकर जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है इसको आपका लॉन्च किया था तो नासा का गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर इन मैरीलैंड इट मैनेज द टेलीस्कोप डेवलपमेंट ये आपका इसने इस टेलीस्कोप के मैनेजमेंट में वी कैन से जो डेवलपमेंट है इसमें एक रोल प्ले किया था उसके बाद स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट इन बाल्टीमोर होमवुड कैंपस ऑफ जॉन होपकिन यूनिवर्सिटी ये सब क्या है दीज र वी कैन से ये सर्टेन इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जेम्स ई वेब जैसे नाम क्यों रखा गया क्योंकि जेम्स ई वेब ये एक एडमिनिस्ट्रेटर थे नासा के 1961 से लेकर नाइनटीन सिक्सटी तक और इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो मिशन हैं नासा के चाहे मर्की है जेमिनी है अपोलो प्रोग्राम है इसमें बहुत रोल प्ले किया है so, सो जो ये रोल इन्होंने एक इंपॉर्टेंट प्ले किया है उनको रिकोगनाइज करने के लिए नासा ने फर्दर जो ये आपका टेलीस्कोप नया जो टेलीस्कोप लॉन्च किया था उसका नाम जेम्स वेब टेलीस्कोप आपका कर दिया गया अब इसके मिशन क्या क्या हो सकते हैं वाट आर द मिशंस तो यहाँ पे गैलेक्सीज को सर्च करना जो भी बिग बैंग लाइक फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा एक्सप्लोशन हो गया एक्सप्लोशन हो गया सुपरनोवा है या यूनिवर्स हमारा एक्सपेंड कर तो उन सब सिचुएशंस में सोलर सिस्टम गैलेक्सी प्लानट इन सबको इन सबको इन सबको सब सब देखना किस तरीके से हमारी जो गैलेक्सी है वो इवॉल्व होती है इस चीज़ को देखना इसके बाद स्टार का फॉर्मेशन जो है उसको देखना किस तरीके से जो स्टार फॉर्म हो रहे हैं फिर फिजिकल केमिकल प्र, जो प्रॉपर्टी है हमारे प्लानेटरी सिस्टम का प्लानेटरी सिस्टम का मतलब तो जैसे एक सोलर सिस्टम एक स्टार है और इस स्टार के अराउंड जो प्लानट्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो वी कॉल इट एज अ प्लानेट्री सिस्टम तो ये जो प्लानेटरी सिस्टम है उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिटरमाइन करना बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के अंदर है जैसे नियर इंफ्रारेड कैमरा नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट फाइन गाइडेंस सेंसर नियर इंफ्रारेड रेड मेजर और स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ स्पेक्ट्रोग्राफ ये सब क्या है ये आपको बस नाम याद रखना है कि जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है जो कि बेस्ड किस पर है दैट इज बेस्ड ऑन इंफ्रा रेड एस्ट्रोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन इंफ्रा रेड एस्ट्रोनॉमी क्योंकि ये इंफ्रा रेड एस्ट्रोनॉमी पर बेस्ड है तो इस पर ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर प्रेजेंट सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो प्रेजेंट है तो इस टॉपिक के अंदर व्हाट वी शुड नो व्हाट इज इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है वो जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्गर वेवलेंथ पे कार्य करता है ये पॉइंट भी आपको याद रखना है सर्टेन फैक्ट्स अबाउट जेम्स वेब टेलीस्कोप ये हमको पता होना चाहिए ये इससे फिर आपका पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है नेक्स्ट देखते हैं ग्रे ग्रेस मिसिंग इन रेप्लिका ऑफ एम्बलम तो यहाँ पे आ, एक दो चीज़ें जो हैं वो हमें जानना इस टॉपिक के अंदर जैसे इंडिया के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसमें जो ये आपका ये पिक्चर आप देख सकते हो लाइन कैपिटल इसको इनाग्रेशन इसका किया है। तो इसमें दो प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं एक पे तो आज हम लोग डिस्कशन कर लेंगे वी विल ट्राई टू तो अंडरस्टैंड अबाउट द लाइन कैपिटल इसके बारे में जानेंगे सारे फैक्ट्स जो हैं क्योंकि हिस्ट्री न्यूज सीरीज का ही आपका हिस्सा बन जाएगा दूसरा जो बनता है वो बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो कि अपोजिशन ने पॉइंट रेस किया और इस पर आर्टिकल्स कमिंग डेज के अंदर आएंगे वो क्या है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर की बात करें सो प्राइम मिनिस्टर बेसिकली इज़ हेड ऑफ एन एग्जी मतलब जनरल सेंस में बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑल्दो दो नॉमिनल हैड की बात करें एग्जीक्यूटिव के दैट इज प्रेसिडेंट और ये जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेटिव बॉडी है जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी और उसमें जो हाईएस्ट ऑफिशियल है वो कौन है वो स्पीकर है तो वेदर सच इनाग्रेशन शुड बी मेड बाय अ स्पीकर और बाय द प्राइम मिनिस्टर क्योंकि स्पीकर एक प्रकार से हेड है लेजिस्लेचर के और प्राइम मिनिस्टर है जो वो एक प्रकार से हेड है आपका एग्जीक्यूटिव uh, uh, के सो ऐसे सेंस में क्या होना चाहिए तो इसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होंगे वो इस पर अपने व्यू पॉइंट रखेंगे देन वी विल डिस्कस अभी वी विल डिस्कस अबाउट द लाइन कैपिटल और इसमें आपको अपना जो नॉलेज है उसको एनहैंस करना है इसके लिए जो क्लास एलेवेंथ की जो आपकी एन है क्लास इलेवेंथ की जो एन है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स करके एन उस पर बहुत डिटेल में इसके बारे में दिया हुआ है तो वो भी आपको रीड करना सर्टेन फैक्ट्स हैं वो भी आपको ध्यान में रखना दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस और सर्टेन चीज़ें जो हैं वो हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं अशोकस फर्स्ट आर्टिस्टिक प्रोग्राम वॉज टू एरेक्ट द पिलर्स तो ये पिलर्स को एरेक्ट करना जैसे अगर आप देखोगे ये पिलर है ठीक है ये आपका पिलर है और इस तरीके के पिलर्स उन्होंने एरेक्ट किए और पूरे जो मॉडर्न एम्पायर है उसके अंदर ये पिलर्स आपके बनाए गए इनकी हाइट लगभग 40 से 50 फीट तक है फिर ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन से काटे गए एक को शाफ्ट कहते हैं दूसरे को अन फॉर द कैपिटल मतलब एक तो शाफ्ट के लिए दूसरा कैपिटल के लिए मतलब एक जो हिस्सा है जो पत्थर काटे गए एक इस हिस्से के लिए काटे गए और एक इस हिस्से के लिए काटे गए एक शाफ्ट के लिए काटा गया और एक कैपिटल के लिए काटा गया शाफ्ट वॉज ऑलमोस्ट ऑलवेज कट फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ स्टोन तो जब यह शाफ्ट को काटा जाता था तो एक सिंगल पीस ऑफ स्टोन से काटा जाता है तो एक शाफ्ट के लिए काटा गया और दूसरा जो है वो कैपिटल के लिए काटा गया अब इसमें लोटस और लायन ये ये टर्म आप जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से लोटस जो है वो बना हुआ है तो जो फिजिकल अपीयरेंस जो पिलर है ये बुद्धिस्ट के डॉक्टरिन को शो करते हैं जैसे जो आपका ये पिलर है ये बुद्धिस्ट के डॉक्टरिन को शो करते हैं हर पिलर के अंदर देखा जाए तो इसमें इन्वर्टेड लोटस फ्लावर बना हुआ है जो कि सिंबल ऑफ बुद्धिज्म से रिलेटेड है तो ये भी आपको याद रखना है कि जो लोटस फ्लावर है वो आपका बना हुआ है अब इस फ्लावर या जो एनिमल है जो इसमें है लाइक uh, like, uh, uh, जो कैपिटल का हिस्सा है टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉलम में तो मोस्ट पिलर्स ज़्यादातर जो पिलर्स की बात करें दे आर टॉप्ड विद अ सिंगल लाइन ज्यादातर जो पिलर है उसमें सिंगल लाइन है और अब बुल उसमें बुल है आइदर सीटेड और इन स्टैंडिंग पोजीशन या सीटेड पोजीशन में है या स्टैंडिंग पोजीशन में है और क्योंकि ये ये जो लाइन है इनका क्यों इस्तेमाल किया गया है बुद्धिज्म से ये कैसे रिलेटेड है बिकॉज जो बुद्धा थे उनका जन्म आपका वो था लाइन क्लैन के अंदर जो शा शाक्य या फिर जो लाइन क्लैन है उसमें उनका जन्म हुआ था इसलिए जो पिलर बनाया गया है उस पिलर के अंदर आपका जो लायन कैपिटल है उसका इस्तेमाल किया गया तो ये पॉइंट आपको याद रखना है ये दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट सो लाइन इन मैनी कल्चर आल्सो इंडिकेट रॉयलिटी या लीडरशिप रॉयलिटी या लीडरशिप भी आपका रिफ्लेक्ट कर रिफ्लेक्ट uh, करता है एनिमल्स आर ऑलवेज इन राउंड एंड कार्व्ड विथ अ सिंगल पीस ऑफ स्टोन तो अलग अलग जो जैसे अलग अलग पिलर्स में एक तो लायन तो है, बुल है कुछ और भी एनिमल्स बने तो वो सिंगल पीस ऑफ स्टोन के अंदर ही इस चीज़ को आपका डेवलप किया गया फिर हैं या, uh, uh, या फिर इंस्क्रिप्शंस भी बने कई सारे ऐसे हैं वो भी आपके प्रेजेंट uh, है आपके प्रेजेंट है और उनको फिर बाद में काफ़ी ट्रांसलेट भी किया गया तो सेवनटीन सेंचुरी के बाद से कई सारे आप कह सकते हैं लाइक like वन फिफ्टी अशोकन एडिक्ट्स आपके मिले हैं और ये आ, आ, देखा जाए तो इसमें कई सारे जो मैसेजेज़ हैं वो भी आपके लिखे गए थे और इनको बहुत सारी जगहों में ऐसे बनाया गया था जिससे कि जो जैसे फॉर एग्जांपल डेकन प्लेटू नेपाल पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान आज के समय के पहले तो ये एक ही उसमें थे तो यहाँ पे क्या है कि जो अशोकन एम्पायर है उसमें बहुत सारे जो मैसेजेज उन मैसेजेज उनको जो स्प्रेड करना होता था वो इन पिलर्स के माध्यम से आपका किया जाता था सो so, रॉक्स और जो पिलर्स हैं देवर प्लेस्ड एलॉन्ग द ट्रेड रूट जितने भी ट्रेड रूट हैं बॉर्डर सिटीज़ हैं वहाँ पे ये जो रॉक्स और पिलर्स आपके रखे गए थे आ, उन जगहों में इनको रखा जाता था जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और इसमें लिखे हुए जो मैसेजेस हैं उन लिखे हुए मैसेजेस को वो पढ़ सकें और उसको स्प्रेड कर सकें ये एक बहुत बड़ा एम था जैसे बोधगया में जहाँ पे जो बुद्धा का एला, एला, एलाइटमेंट हुआ था सारनाथ में जहाँ पे साइट ऑफिस फर्स्ट सरमन साँची में जहाँ पर महास्तूपा जिसे कहते हैं द ग्रेट स्तूप ऑफ सांची भी हम कहते हैं तो ये सब जगहों वी कैन से की ऐसे पिलर्स और वहाँ पे एडिक्ट्स आपके देखने को मिले तो कैन से चाहे बोधगया हो चाहे सारनाथ हो चाहे सांची हो इन जगहों में देखने को मिला है अब जो स्क्रिप्ट इनमें इस्तेमाल की गई है वो ब्राह्मी लैंग ब्राह्मी जो है उसका इस्तेमाल किया गया अब ये जो लैंग्वेज है जितने भी हमारी जो इंडिक लैंग्वेजेस हैं उनके डेवलपमेंट में ये स्क्रिप्ट का इस्तेमाल आपका किया गया ऑल दो कुछ ऐसी जगहें भी हैं जैसे कुछ एरियाज़ हैं वो संस्कृत से भी रिलेटेड है मतलब जो स्क्रिप्ट आपकी लिखी गई हैं या जो मैने स्क्रिप्ट आपकी आपकी लिखी गई हैं तो वहाँ पर संस्कृत का भी इस्तेमाल आपका किया गया जैसे पिलर इन अफगानिस्तान इंस्क्राइब्ड इन बोथ और ग्रीक के अंदर है तो संस्कृत का भी इस्तेमाल है बट मेनली जो इस्तेमाल है वो ब्राह्मी का इस्तेमाल है फिर संस्कृत का इस्तेमाल है फिर अरेमिक और ग्रीक का इस्तेमाल है तो ये आपको याद रखना संस्कृत का इस्तेमाल है देन यू हैव अरेमिक एंड ग्रीक इसका भी इस्तेमाल है तो अफगानिस्तान के अंदर जो पिलर्स बने हुए हैं वहां पे अरेमिक और ग्रीक का आपका इस्तेमाल है जिसमें अशोका का जो डिज़ायर है ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेस का इस्तेमाल है ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो अशोका थे उनका किस तरीके से डिफरेंट कल्चर तक रीच करने का एक एम था और ये जो स्क्रिप्शन है ये भी हाईलाइट करते हैं कि जो एक नेचर था जिसे हम सेकुलर कहते हैं कि ऐसा नहीं कि एक रिलीजन के प्रति इंक्लिनेशन है वो है फिर हिन्न पीरियड अब ये पिलर है दे वर क्रिएटेड इन हीनयान पीरियड तो यहाँ पे महायान हीनयान इस टाइप के डिफरेंट कैटेगराइजेशन है बुद्धा का तो दिस इज रिलेटेड विथ हीनयान अब हीनयान की अगर बात करें तो ये सिक्स uh, सेंचुरी से लेके फर्स्ट सेंचुरी बी के बीच में ये टाइम पीरियड हम कंसिडर करते हैं फिर बुद्धिज़्म का भी डेवलपमेंट आप हुआ फिर कुछ एवोल्यूशनरी चीज़ें हुई जिसके बाद आपका महायान बुद्धिज़्म देखने को मिला अब जनरली क्या होता है कि जो हीनयान uh, पीरियड के अंदर देखा जाए तो किसी भी इमेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है ये माना जाता है कि जो बुद्ध है उनसे रिलेटेड जो भी मेमोरी है वो मन के अंदर रखना है उनके टीचिंग्स को फॉलो करना और किसी इमेज या ऐसे स्कल्पचर या फिर ऐसा मूर्ति इस टाइप का इस्तेमाल नहीं करना है लेकिन फिर भी धीरे धीरे देखा गया कि इन ऑर्डर टू स्प्रेड द मैसेज ज्यादा जो मैसेज है उसको स्प्रेड करने के लिए वी कैन से जो इस ऐसे पिलर्स का इरेक्शन आपका किया गया सो लोटस एज नोट नोटेड ये कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशन है उनका जन्म हुआ था लोटस एक और मैसेज आपका देखता है की बात करें तो इसमें क्या है कि एंडलेस सर्कल ऑफ बर्थ एंड डेथ की एक बार जन्म होते फिर मृत्यु फिर मृत्यु फिर तो इस चीज को व्हील रिफ्लेक्ट करता है सो so, और धर्म धर्म तो चाहे व्हील की बात करें लोटस की बात करें लायन की बात करें धर्मा की बात करें तो पिलर जो ड्रॉ आपका जो पिलर है उस पिलर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं चाहे वो लायन है चाहे वो लोटस है व्हील है ये जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं ये बुद्धा की जो टीचिंग है उसको रिफ्लेक्ट करती ऑल दो हिन्न यान में ऐसा माना जाता था कि ऐसा कोई उनकी इमेजेस और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा ऐसी कोई भी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा क्योंकि ऐसा बिलीफ सिस्टम होता है लेकिन धीरे धीरे अब मैसेज को बुद्धा के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए इन पिलर्स का इस्तेमाल किया गया और उसमें जो भी चीज़ें रखी जाती थी उन्हें भी वी कैन से एक तरीके से जो बुद्धा के मैसेजेस है उनको स्प्रेड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था नेक्स्ट देखते हैं मीडिएशन बिल नॉट गेटिंग द एक्ट टूगेदर सो दिस इज मीडिएशन बिल मीडिएशन शब्द का मतलब क्या होता है मध्यस्थता जैसे अगर दो के बीच में लड़ाई हो जाती है अगर कोई भी डिस्प्यूट है देर इज एनी डिस्प्यूट दिस टॉपिक इज रिलेटेड विद पॉलिटी एंड गवर्नेंस अगर मान लो कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है एक एक पार्टी ए है दूसरी पार्टी बी है उनके बीच में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट है उनके पास क्या तरीका है डिस्प्यूट के कोई भी रीजन हो सकते हैं कमर्शियल हो सकता है कोई भी फैक्टर आपका हो सकता है अब उनके पास क्या है कि कोर्ट जाते हैं कोर्ट में बहुत केसेस चलते रहते हैं और एक क्या है कि दो पार्टी बैठती है बीच में एक मीडिएटर बैठता है और वो फिर डिस्कस करते हैं आपका एक डिस्कस करते हैं फिर जो भी मीडिएटर जजमेंट देता है दोनों मानते हैं तो इसमें क्या है कि बहुत सारे जो सालों साल केस चलते रहते हैं उससे ये बच सकते हैं ये एक बेनिफिट आपका होता है पहले अब मतलब जब तक ये बिल नहीं आया था मीडिएशन से रिलेटेड बिल आपका 2021 के अंदर आया अब ये जो बिल नहीं था उस समय कई जगहों भी प्रोविजंस थे कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन मीडिएशन इस तरीके के आपके टर्म्स मैंशन थे लेकिन कभी भी मीडिएशन को एक तरीके से जो मीडिएशन है उस पर एक कॉम्प्रहेंसिव लॉ नहीं था अब ये जो बिल है इस बिल ने इसको एक कॉम्प्रहेंसिव लॉ के रूप में कंसीडर किया है सो so, जो बिल है ये मीडिएशन को रिकॉग्नाइज करता है और इसे एक प्रोफेशन के रूप में कंसीडर करता है ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट पहले क्या होता था तो मान लो ए और बी के बीच में डिस्प्यूट है मीडिएटर है तो वो मीडिएटर जो है जब भी जरूरत हो किसी को बिठा देते थे मीडिएटर के रूप में अब पहला सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्या किया गया है कि मीडिएटर या मीडिएशन को एक प्रोफेशन के रूप में कंसिडर आपका किया गया है पहले पार्ट टाइम कुछ भी जो भी मीडिएटर आता था, था तो उसको कुछ पे कर देते थे अब इसे एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के रूप में कंसिडर किया गया जो बिल है इट ऑल्सो एक्नोलॉजेस ये बिल एक्नोलॉज करता है कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वो मीडिएटर ट्रेन करें फिर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड मीडिएशन अंडर देयर रूल जैसे प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और प्री लिटिगेशन मीडिएशन इट मीन्स कोर्ट में जब आप केस डालोगे उससे पहले ही मीडिएशन फिर जो मीडिएशन या मीडिएटर होंगे उनको ट्रेन करना डिफरेंट जो रूल्स uh, आपके हैं उन रूल्स के बेसिस पे उनको प्रॉपर जो है ट्रेनिंग uh, 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 करना सो so, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आपका हो जाता है जो पार्टीज हैं मतलब जो मीडिएशन कराना चाहती हैं दे लाइक दे आर रिक्वायर्ड टू हैव एटलीस्ट वन सब्सटेंटिव सेशन विद द मीडिएटर अगर आप केस फाइल करना जा रहे हो उससे पहले आपका एक

कि मीडिएशन क्या है और कंसिलियन क्या है इस चीज को इन्होंने बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया तो यह लाइन में आपको पूरी रीड कर देता हूं क्योंकि हो सकता है आपको पिक्चर ना दिखे तो मीडिएशन एंड कंसिलियन इन डिफरेंट स्टेट्यूट बाय ऑप्टिंग फॉर द फॉर्मर इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल प्रैक्टिस एंड डिफाइनिंग इट वाइडली टू इंक्लूड द लेटर तो यहां पर इस मीडिएशन की बात की जाए तो इसमें जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस उसको फॉलो करना और उसी के अंदर जो कंसिलियन है उसको भी इंक्लूड करना तो क्लियरली इसमें डिफाइन किया गया है कि वट बेसिकली इज अ मीडिएशन और उसी के अंदर कंसिलियन आपका रखा गया फिर इसमें ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को भी इंक्लूड किया गया कि ऑनलाइन तरीके से भी जो डिफरेंट डिस्प्यूट है उसको कैसे रिजोल्व किया जा सकता है कोविड 19 की अगर बात किया जाए तो कोविड 19 के समय में जो ऑनलाइन डिस्प्यूट है वो एक बड़ा फैक्टर आपका बन बन गया था इट आल्सो प्रोवाइड फॉर एनफोर्समेंट ऑफ कमर्शियल सेटलमेंट इवन जैसे कमर्शियल सेटलमेंट जो भी इंटरनेशनल मीडिएशन के अंदर जैसे इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर सिंगापुर के अंदर लोकेटेड है वहाँ पे अगर कोई भी ऐसा डिसीजन होता है या कोई भी इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर वहाँ पे कोई डिसीजन आपका लिया जाता है सो so, जो भी डिसीजन है उन डिसीजन को एनफोर्स करने में जो है हमारी संस्थाएं कार्य करेंगी जो भी इंटरनेशनल मीडिएशन है वो बेस्ड किस पर है देर इज दिस कन्वेंशन वी कॉलिटाइज सिंगापुर कन्वेंशन हम एक टर्म यूज़ करते हैं दैट वी कॉल कॉलिटाइज अ सिंगापुर कन्वेंशन ये सिंगापुर कन्वेंशन पर आपका बेस्ड अब इसका क्रिटिसिज्म है क्रिटिसिज्म क्या है इस क्रिटिसिज्म इसका ये है कि जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं इस बिल के माध्यम से वो हमें एक इंटरनेशनल मीडिएशन का हब बना देगा मतलब इसका क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट होंगे उन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए लोग हमारे देश में आएंगे या हमारे देश के अंदर डिसीजंस लिए जाएंगे ऐसा हम सेंटर क्रिएट करेंगे मध्यस्थता का कमर्शियल खासतौर से जैसे व्यापार होता है उसमें बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट होते हैं जहाँ पे मीडिएशन बहुत वर्क करता है सो so, यहाँ पे कमर्शियल डिस्प्यूट के लिए हम एक इंटरनेशनल मीडिएशन हब बन सकते हैं और इस डायरेक्शन में हम काम भी कर रहे हैं और ये बिल भी उसको इस उस बिल का भी एम है कि इस डायरेक्शन में हम कार्य करें लेकिन इसमें क्या है इसमें कहा गया कि दिस इज बिकॉज द बिल अनवाइजली ट्रीट इंटरनेशनल मीडिएशन वेन कंडक्टेड इन इंडिया एज अ डोमेस्टिक मीडिएशन अगर कोई भी मीडिएशन इंडिया के अंदर कंडक्ट होगा तो उसे आ, उसे स्टेटस एक जजमेंट या कोर्ट का डिक्री या कोर्ट का डिसीजन के रूप में कंसिडर किया जाता है तो उसे एक डोमेस्टिक मीडिएशन या डोमेस्टिक मध्यस्थता के रूप में देखा जाता है सो so, अगर पहले तो हम एक इंटरनेशनल मीडिएशन इंटरनेशनल मध्यस्थता सेंटर बनना चाहते हैं कमर्शियल डिस्प्यूट में व्यापार और इन सबसे रिलेटेड कुछ भी डिस्प्यूट है इंटरनेशनल मीडिएशन के कंटेक्स्ट में देखा जाए जो भी इंटरनेशनल मीडिएशन है उसके कंटेक्ट में जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे उसमें हम चाहते हैं कि लाइक वी शुड बिकम अ इंटरनेशनल हब लेकिन हम उस डिसीजन को एक डोमेस्टिक मीडिएशन के रूप में कंसिडर कर रहे हैं उसे मात्र एक जजमेंट या कोर्ट के द्वारा दिया गया ओपिनियन के रूप में कंसिडर या जजमेंट के रूप में कंसिडर कर रहे हैं तो ये क्या ये है ये क्रिटिसिज्म है क्योंकि एज पर द सिंगापुर कन्वेंशन सिंगापुर कन्वेंशन क्या कहता है सिंगापुर कन्वेंशन इज रिलेटेड विद द मीडिएशन तो सिंगापुर कन्वेंशन कहता है कि जो भी आ, जो भी आपका मीडिएशन की जब हम बात करते हैं तो अगर किसी भी इशू को जजमेंट या डेकरी के के कैटेगरी में अगर हम कंसीडर करें या डोमेस्टिक मीडिएशन के कैटेगरी में कंसीडर का, का, करेंगे तो उसमें सिंगापुर कन्वेंशन अप्लाई नहीं होगा अगर सिंगापुर कन्वेंशन जो कि रिलेटेड किससे है इंटरनेशनल मीडिएशन से इंटरनेशनल मीडिएशन से रिलेटेड है अब इंटरनेशनल मीडिएशन से अगर ये रिलेटेड है तो फिर सिंगापुर कन्वेंशन साफ साफ कहता है कि अगर कोई भी जजमेंट दिया जा रहा है मीडिएशन के द्वारा या जो भी हमने मीडिएशन uh, के लिए रखा है और उसे मात्र जजमेंट या डेक्री के रूप में कंसिडर किया जा रहा है तो सिंगापुर कन्वेंशन उसे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा अगर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं करेगा सो हाउ वी विल बिकम इंटरनेशनल हब कमर्शियल डिस्प्यूट यह पॉइंट आपको ध्यान रखा फिर देखो कहा गया कि इसका दूसरा जो क्रिटिसिजम है वो गवर्निंग मैकेनिज्म काउंसिल जैसे इसमें एक रिटायर्ड सीनियर जज होगा फिर एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पर्सन विद एक्सपीरियंस ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन लॉ है इन सब एरिया से आपके होंगे अब इसमें कहा गया कि जितने भी लोग हैं जो इस काउंसिल का हिस्सा हैं वो बेसिकली रिटायर्ड पर्सन हैं सो जजिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट दीज आर फुल टाइम मेंबर्स इट इज़ क्लियर कि नन ऑफ देम विल बी एन एक्टिव प्रैक्टिशनर तो यहाँ पर रिटायर्ड पर्सन है कोई एक्टिव प्रैक्टिशनर नहीं सो दिस में ऑल्सो इम्पैक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द जो आपका काउंसिल है उसके फंक्शनिंग को भी अफेक्ट कर सकता है सो so, इसमें देखो पहली चीज़ तो जो प्रोविजन है इस बिल के वो ध्यान में रखना है फिर ये जो दो तीन क्रिटिसिजम है उसको ध्यान में रखना है अगर प्रश्न आता है यू कैन ईजिली आंसर नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग आपका है दैट इज स्केल ऑफ म्यूनिसिपल फाइनेंस स्केल ऑफ म्यूनिसिपल फाइनेंसिस इज इनएडिक्ड तो यहाँ पे uh, Uh, यहाँ पे आपका लिखा है द स्केल ऑफ म्यूनिसिपल फाइनेंस इन तो देखो जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं इन अर्बन लोकल बॉडीज के वी कैन से इस अर्बन लोकल बॉडीज़ को एक संवैधानिक स्टेटस आपका सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने दिया अभी सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट के बाद ये जरूरी था कि अर्बन लोकल बॉडीज़ को फाइनेंस के uh, टर्म में एम्पावर किया जाए और फंक्शनरीज के टर्म पे जो है वो एम्पावर uh, किया जाए जो फंक्शनरीज़ हैं आपके फंक्शनरीज़ का मतलब होता है कि जो उनके पर्सनल है तो फाइनेंस है फंक्शनरीज़ हैं फंक्शन है मतलब जो एक्टिविटी मैपिंग है वो प्रॉपर करना जरूरी है तो फाइनेंस है फंक्शनरीज़ है फंक्शन है इन लेवल्स पे एम्पावर करना जरूरी है प्रॉपर ये बताना कि ठीक है आपका ये कार्य है उस कार में कोई एनक्रोच ना करे चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोई भी एनक्रोच ना हो तो जो फंक्शन हो गया फंक्शनरीज हो गया या फाइनेंस हो गया हर जगह पर तो नाइन कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट एक्ट है नाइन्टीन के अंदर जो आपका

उसको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए रीच किया जाए उस पर आपका प्रयास आपका किया गया लेकिन ये जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं जैसे म्यूनिसपैलिटी कब फंक्शन करेंगी जब इनका प्रॉपर फाइनेंशियल या फिजिकल एम्पावरमेंट आपको देखने को मिलेगा अगर फिजिकल एम्पावरमेंट देखना है तो इनके पास दो सोर्सेस हैं कि कैसे ये फाइनेंशियल लेवल पे इनका एम्पावरमेंट हो चाहे वो वी कैन से टैक्स की बात हो या फिर नॉन टैक्स की बात हो या टैक्स के बेसिस पे या कोई टैक्स लगा के पैसा कमाए या किसी दूसरे तरीके से ये पैसा कमाए दो दो तरीके से आपके बनते हैं सो थ्री डिकेट सिंस ग्रोइंग फिजिकल डेफिसिट कंस्टेंट इन टैक्स बे एक्सपेंशन एंड वीकनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दैट इनेबल रिसोर्स माई रिमेन चैलेंजेस तो यहाँ पे धीरे धीरे लास्ट इतने सालों में नाइन्टीन के बाद से आपका Uh, 2022 हो गया 30 ईयर्स हो गए बहुत सारे ऐसे कदम जहाँ पे इनका फिजिकल एम्पावरमेंट हो सकता था या टैक्स बेस एक्सपेंशन हो सकता था तो उसमें बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है पहला जो एक एस्पेक्ट हाईलाइट किया गया है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो खुद का सोर्स ऑफ रेवेन्यू है सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो लेस है हाफ ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू इसका मतलब क्या है कि जो भी पैसा इनके पास आता है वो Uh, खुद के द्वारा जनरेटेड जो अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा जो जनरेटेड रेवेन्यू है वो कंपेरेटिवली कम है इट इज़ लेस देन 50 परसेंट इनफैक्ट इट इज़ अराउंड 47 परसेंट इट मीन्स कि अगर इनके पास टोटल रेवेन्यू 100 है तो खुद के द्वारा जनरेटेड रेवेन्यू मात्र फोर्टी सेवन है तो ये एक फैक्ट है अर्बन लोकल बॉडीज का जो की रेवेन्यू सोर्स क्या क्या है टैक्सेस हैं फीस है फाइंस हैं चार्जेस हैं जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है जिसे हम इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर भी कहते हैं तो ये सब क्या है दीज आर सोर्स ऑफ रेवेन्यू अब ये अलग अलग सोर्स ऑफ रेवेन्यू जिसमें सेंट्रल और स्टेट पैसा देते हैं वो भी इंक्लूडेड है इसमें जो खुद से पैसा ये जनरेट करते हैं जिस तरीके से वो मात्र फोर्टी है या लेस देन फिफ्टी है तो शेयर शेयर ऑफ ओन रेवेन्यू जिसमें टैक्से ऑन प्रॉपर्टी है एडवर्टाइजमेंट है या नॉन टैक्स रेवेन्यू है जैसे यूजर चार्जेस हैं फीस फ्रॉम बिल्डिंग परमिशन है ट्रेड लाइसेंसिंग है, है तो ये सारे के सारे जो खुद के रेवेन्यू जनरेशन के मीन्स हैं उसके द्वारा जो पैसा जनरेट करते हैं वो लेस देन फिफ्टी परसेंट है टू द टोटल टोटल रेवेन्यू तो ये जरूरी क्या है कि अगर टोटल रेवेन्यू का एक्सपेंशन हो और साथ में जो खुद रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसका एक्सपेंशन होगा तो दिस विल इंप्रूव uh, जो फाइनेंशियल स्टेटस या फिजिकल हेल्थ और ऑटोनॉमी अर्बन लोकल बॉडीज़ की वो इंप्रूव होगी सेकेंड है कि अर्बन जो लोकल बॉडीज़ हैं ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर पर बहुत निर्भर करते थे क्योंकि खुद से रेवेन्यू जनरेट हो नहीं रहा था इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर मतलब सेंटर स्टेट uh, के द्वारा जो पैसा दिया जाता था उस पर काफी अधिक आपका uh, निर्भर करते थे अब एक तो हमारा फाइनेंस कमीशन है वो आपका रिकमेंड कर देता है वो पैसा देना होता है उसके बाद स्टेट लेवल पे जो फाइनेंस कमीशन का गठन होता है मतलब सॉरी uh, uh, जो स्टेट लेवल पे आपका लोकल बॉडीज के कंटेक्सट में जो फाइनेंस कमीशन का गठन होता है वो रिकमेंड कर देता है तो इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर इनका एक बड़ा सोर्स बन जाता है फिर जो टैक्स रेवेन्यू है इज द लार्जेस्ट रेवेन्यू सोर्स फॉर लार्जर सिटीज अगर बड़ी सिटीज़ की बात करें तो लार्जेस्ट सिटीज के लिए टैक्स रेवेन्यू एक बड़ा सोर्स है छोटी सिटीज़ के लिए वो ग्रांट्स पर निर्भर है तो बड़े जो सिटीज़ हैं वो तो रेवेन्यू थोड़ा बहुत जनरेट कर लेते हैं लेकिन जो छोटी सिटीज़ हैं उनके पास जो सोर्स है रेवेन्यू जनरेशन का वो लेस है तो वो जो ग्रांट उनको दिया है उस पर निर्भर करते हैं या फिर जो इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर उस पर बहुत अधिक आपका निर्भर कर जैसे क्लास वन ए सिटीज़ हैं जिसमें पचास लाख के ऊपर पॉपुलेशन है ये प्राइमरली अपने टैक्स पर डिपेंडेंट रहते हैं क्लास वन बी सिटीज़ या क्लास वन सी सिटीज़ जहां पर टेन लाख से फिफ्टीन लाख की पॉपुलेशन है वन या आप क्लास वन सी जिसमें वन लाख से टेन लाख पॉपुलेशन है उसमें पूरा जो डिपेंडेंसी है वो इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर है फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मतलब जैसे अर्बन अगर अर्बन लोकल बॉडीज को परफॉर्म करना है या कार्य करना है तो उसमें अगर जैसे अगर दे वांट टू फंक्शन फंक्शन करना है उन्हें बहुत से काम करने हैं अब उनको क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है कुछ जो पैसा जनरेट कर लेते हैं वो ठीक ठाक काम कर लेते हैं अब जैसे अभी फ्लड आया फ्लड में फ्लड अर्बन फ्लडिंग एक बहुत बड़ा नॉर्मल फेनोमेना बन गया इंडिया के अंदर अब इस अर्बन फ्लडिंग की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है किसी भी सिटी में बारिश हुई तो पानी पूरा इकट्ठा हो जाता है अब अगर अर्बन लोकल बॉडीज को अपने ऑपरेशन को कैरी आउट करना है या ऑपरेशन मेंटेनेंस जो एक्सपेंसेस हैं बहुत सारे चाहे वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हो या कई अपने फंक्शंस को परफॉर्म करना हो तो उसके लिए उनको रेवेन्यू की जरूरत है पैसे की जरूरत है लेकिन वो पैसा सेल्फ जनरेटेड नहीं होता है इनकी जो डिपेंडेंसी है खासतौर से वो आपका ट्रांसफर पर निर्भर करता है इट मीन्स जो इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर पर बहुत निर्भर करता है अगर जब निर्भरता इस पर करता है तो उसमें फिर कंडीशनैलिटी रहेगी कि आपको इस पैसे को यहाँ इस्तेमाल करना है इस पैसे को यहाँ इस्तेमाल करना है अगर फिजिकल हेल्थ या फिर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बनी रहेगी सो दैट विल हेल्प देम वो बहुत उनको हेल्प करेगी कि अपनी जो भी ज़रूरतें हैं ऑपरेशन मेंटेनेंस से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है वो अपना वो कर सकते हैं वो पूरे तरीके से आपका जो भी एक्सपेंडिचर है उसको कर सकते हैं तो शेयर ऑफ ओ एम एक्सपेंसिस की अगर हम बात करें अर्बन लोकल बॉडीज़ के कंटेक्स्ट में ऑफ द टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो इंक्रीज़ हुआ 30 परसेंट से 35 परसेंट आपका इंक्रीज हुआ है 35 परसेंट आपका इंक्रीज हुआ लेकिन इसे और भी इंक्रीज करने की जरूरत है ये भी कहा गया तो यहाँ पे ओ एंड एम एक्सपेंसिस बेसिकली वैन यू टॉक अबाउट शुड आइडली बी कवर्ड थ्रू यूजर चार्जेस जो टोटल नॉन रेवेन्यू है ऑफ विच यूजर चार्जेस आर अ पार्ट तो यूजर चार्जेस के माध्यम से इसको आ, किया जा सकता है मतलब कुल मिला अपना जो रेवेन्यू है दे कैन जनरेट देयर ओन रेवेन्यू अपना जो रेवेन्यू है उसको ये जनरेट आपका आ, कर सकते हैं तो दैट विल फर्दर हेल्प ये भी काफ़ी आपका हेल्प करेगा कि वो जो भी ऑपरेशन मेंटेनेंस का एक्सपेंसिस है उसको वो में, मेंटेन कर सकें या अपना एक्सपेंडिचर खुद मीट कर सकें प्रॉपर्टी टैक्स इस पर काफ़ी एक तरीका है कि जिसके माध्यम से अर्बन लोकल बॉडीज़ आपका अपना जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो लेकर आ सकते हैं बाय इंपोजिंग प्रॉपर्टी टैक्सेस जो इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो इसमें आ, जो फिजिकल कंपोजिशन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ अर्बन लोकल बॉडीज मतलब जो भी पैसा अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास आता है उसमें एक मेजर पार्ट इंटर गवर्मेंटल ट्रांसफर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसा दिया जाता है वो एक बड़ा आपका फैक्टर रहता है तो ये बहुत जरूरी है कि कैसे हम कदम उठाएं फॉर द फिजिकल या फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ अर्बन लोकल बॉडीज़ के फिजिकल और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए हम क्या कदम उठाएं जिससे कि जो डिपेंडेंसी है इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर पर वो रिड्यूस हो सो uh, so, uh, एक तो अनकेडमी uh, पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं यू कैन यूज़ द कोड एस जो अभी एलेवं uh, जुलाई को टेस्ट हुआ था द हिंदू का टेस्ट आपका हुआ था द हिंदू हिट सीरीज मंडे टू फ्राइडे होता है इसमें जो टॉप रैंक है आपका आशुतोष झा uh, देबशीष साहू और रश्मि बनर्जी जो कोड यूज करना है वो है एस पी एल आई वी ई इस कोड का इस्तेमाल करके ही आपको ज्वाइन करना है ये द हिंदू हिट सीरीज़ का हिस्सा आपको बनना है लिंक आपको ग्रुप में भी शेयर्ड है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और एग्रीकल्चर का ऑप्शनल आई एम लॉन्चिंग फ्रॉम एटीन ऑफ जुलाई ठीक है चार से छह बजे के बीच में होगा आ, बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी रास्ता ओपन हो जाता है और ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है आ, जो है आ, 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 आपका ऑप्शनल दिसंबर तक हो जाएगा काफी हाई स्कोरिंग ऑप्शनल भी है सो so, आज के लिए इतना ही आ, अभी जो एक कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है उसका भी बेनिफिट आप उठा सकते हैं तो इसका आ, जो पी आई विल शेयर